हर पिक्चर में कोई एक होता है। तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, क्या रवीना टंडन नहीं बनेंगी इंदिरा गांधी? उनकी कौन सी वेब सीरीज आई लोगों को पसंद? KGF 2 के बाद किस फिल्म में नजर आएंगे संजय दत्त और रवीना टंडन साथ में? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। बहुत लंबे इंतजार के बाद KGF चैप्टर 2 जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में आपको साउथ एक्टर्स के अलावा बॉलीवुड के दो बड़े सितारे भी नजर आने वाले हैं, जिनका नाम है संजय दत्त और रवीना टंडन। आपको बता दें कि फिल्म में रवीना टंडन एक प्राइम मिनिस्टर का रोल निभा रही हैं। कुछ वक्त पहले तक तो कहा जा रहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर का रोल इंदिरा गांधी से इंस्पायर होगा, लेकिन हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में रवीना टंडन ने इंदिरा गांधी बनने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनका कैरेक्टर भले ही प्राइम मिनिस्टर का है, लेकिन ऑडियंस को उसमें बिल्कुल भी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की झलक नहीं दिखाई देगी। KGF 2 के अलावा फिलहाल लोग रवीना टंडन की खूब तारीफ कर रहे हैं, जिसका कारण है उनकी हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज अरण्यक, जिसमें उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया है। वैसे फिल्म KGF 2 में एक बहुत लंबे वक्त के बाद आपको संजय दत्त और रवीना टंडन एक ही फिल्म में दिखने वाले हैं। दोनों ने 90s की कई हिट फिल्मों में साथ काम किया है और अब तो सुनने में आया है कि KGF 2 के बाद दोनों कलाकारों को एक अनटाइटल्ड कॉमेडी फिल्म में फिर से साथ देखा जा सकता है। जल्द ही इस अनटाइटल्ड कॉमेडी फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है। बता दें कि KGF 2 एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे 5 भाषाओं में बनाया जा रहा है। इस फिल्म में आपको रवीना टंडन के साथ यश, संजय दत्त, एंड्रयू, श्रीनिधि और प्रकाश राज अहम रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को देखने के लिए लोगों के बीच जो एक्साइटमेंट है उसे देखकर बताया जा रहा है कि एक बार फिर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स कायम करने वाली है। फिल्म की रिलीज को पहले कई बार टाला जा चुका है, लेकिन इस बार मेकर्स ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार फिल्म तय की गई रिलीज डेट पर अपने फैंस से जरूर मिलेगी। आपको बता दें कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 के दिन रिलीज की जाएगी। तो आप लोग बताएं कि आप लोग इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। आप लोग अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही कुछ और नई फिल्मों की अपडेट्स जानने के लिए फॉलो करें बॉलीग्रेड स्टूडियोज को। धन्यवाद।